शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं उनके कल्याण और इस वृद्धि भुला नहीं सकेंगे हम अपने वीरों के बलिदान को उनके परिवार के रुदन और बच्चों के अरमान को। आज के सुविचार प्रस्तुत करने के लिए मैं अक्षिता को आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी को मेरा सुप्रभात। मैं आज के सुविचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर झुके उस हैदत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। जय हिंद की सेना। धन्यवाद। अब इशिका आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं इशिका त्यागी कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महापुत्र वे महापिता वे राष्ट्रभक्त समदर्शी थे। पंत खालसा के निर्मरता अनुपम संत सिपाही थे। मुगलों संग योद्धाओं में जो न्याय सत्य ना खोते थे। जिनके स्वर्ण लोक की तीरे खाकर दुश्मन तरते थे। संत वही योद्धा गृहस्थ हुए सन्यासी भी। महाकवि वे दशम ग्रंथ के पूर्ण किए गुरु ग्रंथ भी। धन्यवाद। अब कशिश आप सभी को गुरु गोविंद जी के बारे में कुछ बताएंगे। सभी को सुप्रभात। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरा नाम कशिश खारी है। मैं आपके सामने श्री गुरु गोविंद जी के भविष्य काल के बारे में बताना चाहती हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर पटना, जो आजकल बिहार की राजधानी है में 22 दिसंबर 1667 में हुआ था। मैं जब पैदा हुए थे उस समय उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश देने गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उनके पिताजी शुरू श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को प्राप्त 11 नवंबर सन 1667 को 10वें गुरु बने थे। मैं एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। गुरु गोविंद जी ने अपने सभी बेटों को धर्म की रक्षा करने के लिए मुगलों से लड़ते हुए बलिदान कर दिया था, जिसमें बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह, जो जरावर सिंह को भी गति प्राप्त हुई थी। धन्यवाद।